आस करते हाँ कि आप सब चढ़ती कला में हो गए संघ जी गुरपुरब के नाल आप सब संतान नवे साल दियाँ बहुत बहुत मुबारक संघ जी अज आप चलेंगे श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान विखे अज की जी रात आप जाके रुकेंगे डेरा बाबा नानक क्योंकि उत्थे संगतां दे ठहरन वास्ते बहुत वधिया प्रबंध किया हो संगतां वालों गुरुद्वारे वालों उत्थे गुरुद्वारा दरबार साहब है उत्थे जाके रात रहेंगे और क्योंकि धुंधा का मौसम है इस करके भी सवेरे जां रात नूं चलना भी ठीक नहीं गा क्योंकि दोपहरे दोपहरे सफर भी पड़ जाए अजक बाकी अंदोलन वगैरह बहुत चलते पे हैं कि किसान धरना लाई बैठे हैं कि अध्यापक तो ज कोई होर महकमे वाले तो इस करके भी शाम तो पहला पहला उत्थे पहुँचना चंगी गल नहीं तो धुंध में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं तो आओ चलते आप मिलते हैं हूँ इस करके डेरा बाबा नानक विखे मेरे नाल आओ तुम भी दर्शन करो मान वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा दरबार साहब डेरा बाबा नानक संघ जी रात आप इतने आ गए थे इतने आके रात रुके थे हूँ सवेरे तैयार बैतार होके इतों फिर गुरु साहब नमस्ता को बाबे को इजाजत लैके फिर आप चलेंगे करतारपुर साहब पाकिस्तान विखे और इस टाइम इतने पूरी धुंध पई हुई है पूरा ठंडा मौसम है इस सुबह के ठंड के धुंध भरे मौसम के आप सब संतों को प्यार भरी निघी जी साढ़े वालों सत श्री अकाल जी। इतने संतों के रहने वास्ते कमरे बने हुए हैं और संत इतने आ गए अक्सर ही रात ठहर दी हैं बीबिया लंगर तैयार कर रही हैं सतनाम वाहेगुरु का जाप कर दिया हुई है सतनाम वाहेगुरु का पलेथन ला के प्रशादिया बीबिया जाप कर दिया हुई संतों के वास्ते शरदा भावना के नाल लंगर तैयार कर रही हैं ता जो जो संत अज वापस जाएगियां जां जिहड़ियां ने अज होरां ने आना उन्हां वास्ते आईआं गईआं संतां वास्ते लंगर तैयार हो सके। अज आप तीसरी बारी दर्शन करांगे पता नहीं क्यों एक मन के तांग होंगी है कि जिन्ना हो सकता है दर्शन किए जाने वो तो वे फिर ना हो पुराने हालात की तरह ये रस्ता बंद हो जाए लांघा बंद हो जाए कि सियासत की भेड़ फिर ना चढ़ जाए सानू अज मौका मिलया है इस करतारपुर लांघे दे राही कि दोहां पंजाबां दे लोग चढ़ते और लेंदे दे लोग जिहड़े हैगे एक दूजे नूं प्यार मुहब्बत की गल वकड़ी पाउण नफरत क्रोध और शक नूं पिछे छड के किसी भी राजनीतिक नूं अपने विचकार ना आउण दे। श्री करतारपुर लांघा अमन शांति अते मुहब्बत दी इक राह हैगी है अक्सर ही असीं देखदे हाँ कि गुरद्वारा साहब विखे करतारपुर विखे संगतां बहुत घट आ रही हैं ये कोई वड्डी समस्या नहीं है कोई ऑनलाइन ही समस्या जिस तक मैं समझदा हाँ क्योंकि बहुते जिहड़े लोग हैं जिहड़े कि दिहाड़ी किरत करन वाले हैं उन्हां कोल पासपोर्ट नहीं हैं उन्हां नूं पासपोर्ट की कोई लोड़ ही नहीं पैंदी इस करके वो इत्थे आ नहीं सकते जिस तरह कि पाकिस्तान गौरमेंट ने एक रखा हुआ वो कहिंदे हैं कि सानू कोई भी एक अपना आई डी प्रूफ दे और दर्शन करो दरबार साहब दे साड़ी गौरमेंट नूं भी चाहिए हैगा मौजूदा जिहड़े गौरमेंट हैं कि वो पासपोर्ट जिहड़ी हैगी है ऑप्शन है वो खत्म कर देन और ताकि हर कोई गरीब गुरबा आके गुरु घर के दर्शन कर दे। संघ जी आप कोरीडोर के बाहर जिथे गड्डिया पार्क कीतियां ने ते ओदे आसे पासे बहुत ही वधिया इन्होंने पार्क वगैरह बना के ते बहुत सोहने स्टैचू वगैरह लगाए आ किसान का है जो कि हल चक्की जा रहा अगे जरा हर साल दिखाने एक दूजा स्टैचू भी है इतने किरत करो तो वंड छको का जो उपदेश दिता वह भी तुम दिखाने वो इधर लगे हुए आ कमल का फुल अगे तुम हर साल ही दर्शन करवाई देने कि कुछ कोशिश करा कुछ अलग कोई नवे पॉइंट उतो अपने मिल जाए यह देखो जी बाबे नानक का फलसफा सिखी सिद्धांत जो गुरु बाबे ने सू बख्शे है
ਵੰਡ ਕਰ ਛਕੋ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਸਤੰਭ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਆ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਵੀ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗਏ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੇ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੇਟ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਏ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠੋ 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 ਆਪ ਲੋਕ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ
अल्लाह उन्होंने खुश रखे, अल्लाह नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। फिर ये बस सफर अच्छा रहा हम लोगों का, परेशानी का सामना तो नहीं किया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अच्छा आप लोगों से विनती है, जब यहाँ पे आप लोग आ जाते हो ना तो प्लीज एक चीज का ख्याल रखें सर, आपके होते हुए ये मैसेज भी शेयर करें। जब भी आप लोग आए ना तो हमेशा यहाँ पे आप लोग $1 लेके आते हो, एक नोट ना लेके आए। आप रोजाना वॉश होता है डॉलर, वो ना लेके आए। जब भी आप लोग डॉलर लेके आए तो 20 का नोट लेके आए। हमारे लिए काफ़ी इशू बनता है यहाँ पे, $1 नहीं चलता, 20 का नोट लेके आया करें, $20 लेके। हाँ तो प्लीज़ ये आप लोगों से बेनती है कि जब भी आप लोग आए इनका ख्याल रखें। वो आप लोगों को यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़े से डॉलर महंगे हैं तो फिर आप लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ से आप लोगों ने कोविड टेस्ट चेक करनी है डॉक्टर साहब से। आगे काउंटर है वो नेशनल बैंक का है, वहाँ से आप लोगों ने $20 की स्लिप लेनी है। जो लास्ट काउंटर है वो मनी एक्सचेंज का है, वहाँ से आप लोगों ने करेंसी चेंज करनी है, इंडियन पाकिस्तानी करेंसी साथ लेके जाने। दरबार साहब मार्केट साइड में जब भी आप लोग शॉपिंग करें तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेनती है, आप लोग हमारे साथ ताउन करें, इंडियन करेंसी में कभी भी शॉपिंग ना करें। आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं, इंडियन करेंसी में मार्केट में शॉपिंग ना करें, रिक्वेस्ट करते हैं हम। वो यानी कि वो करेंसी इलीगल हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेनती है कि मार्केट साइड पे इंडियन करेंसी में ख़रीदारी ना करें, यहाँ से पाकिस्तानी लेके जाएं, चेंज कर ले। अगर बच भी जाए ना तो परेशान नहीं होना है, फ़ौरन आए रिटर्न करके अपने प्यारे देश की करेंसी साथ लेके जाएं। साथ साथ दरबार साहब में किसी दुश्वारी का सामना करना पड़े तो वापसी पर आप मेरे साथ शेयर करें, और साथ साथ दरबार साहब की रोन के आप ही लोगों की वजह से हैं तो प्लीज़ दरबार साहब में कमी पेशी आप लोगों को नज़र आए या कोई ऐसा काम जो हमारी नज़र ना पड़े, मेरे सरदार जी की नज़र पड़ जाए तो प्लीज़ आप नोट करें, मुझे बताएं, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊंगा, हम उस काम को भी बेहतर से बेहतर करेंगे। और साथ साथ जब आप लोग वापसी पे निकलते हों तो प्लीज़ अपने चीज़ों का ख्याल रखें, कीमती सामान का। आप लोग अक्सर अपने कीमती सामान भूल जाते हैं, मोबाइल पर्स, और मार्केट साइड पे दुकानदार के साथ आप लोग के कपड़े रह जाते हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी आप दरबार साहब से बाहर निकलें तो अपने कीमती सामान चेक करके दोबारा चेक करके निकला करें, ताकि आपका सामान गिर ना जाए, भूल ना जाए। अगर गिर गया, भूल गया किसी जगह पे, तो आप लोगों ने फ़ौरन आना है पाकिस्तान दर्शन ड्यूटी फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे हमारा टीम मौजूद है, वो आपको ट्रेस करके आपकी अमानत आप तक पहुँचाएगा। साथ साथ मेरी दुआ है नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, और अल्लाह आप लोगों की मन अरदासें पूरी करे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए। डॉलर जमा करने जो अपने को फीस है $20 पर मैंबर वो जमा करनी है। साढ़े को तीन मैंबर है, साढ़े को $100 है, जेडे डॉलर है वो साढ़े नाल इतने होर ने, उन्होंने डॉलर नहीं है उन्होंने देवे अस। लो जी डॉलर जमा हो गई, उन्हों की डॉलर की आप सीधा दे दी ने, इन्होंने सीधा ने तेना दे पाकिस्तानी एम्बेसी की सारी कार्रवाई पूरी होने बाद आप हम बाहर आ गए हैं। इधरले पासे हुण आह पाकिस्तान दी बसां लगी हुई हैं, यह आपां नूं दरबार साहब लैके जाणगियां गुरु बाबे नानक दे करे, जिथे उन्होंने अपनी जिंदगी का अखीरला समां बतीता इस कदरी साहब जी नूं। और इस संघ जी सारिआं नूं नवें साल दीआं मुबारकां, वीर जी तुहानूं वी सारिआं नूं नवें साल दीआं बहुत बहुत मुबारकां, बाबे दे घर दे दर्शन करन दीआं बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां, बहुत मुबारक देणा अज आपां गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह सानूं जी।
संघ जी धुंदा अच बहुत ज़्यादा, इस करके कुछ भी क्लीयर नहीं आता। रास्ते चाहू रावी नदी भी विखानी सी पर धुंद करके भी नजर नहीं, दर्शनी जो भी बिल्कुल अपन नेड़े आ गए हैं, हजे आप क्लीयर नहीं पड़े जा रहे। सात संगत नूं पाकिस्तान आमद ते गुरुद्वारा साहब आमद ते वेलकम खुश आमदी जी आयां नूं। आप जी को जिहड़े कोई पासपोर्ट ने कागजात ने अपने पॉकेट च पा लो, अपने बैग च पा लो, हुण किसी किस्म की कोई चैकिंग नहीं है। आप जी ने जिहड़े कार्ड पहने हुए ने आप जी की पहचान ने कि आप जी साडे मेहमान ने, कार्ड पहन के रखने ने, चेंज नहीं करने, गुम नहीं करने। आप जी जूही दौड़ी का दरवाजा क्रॉस करेंगे मेरे पिछे आपकी राइट साइड यानी कि सज्जी साइड से जोड़ा घर है, आप जी उसे जोड़े जमा करा सकते हैं। जोड़े जमा कराने तो बाद अगर हाथ धोने होने बार वाशबेसन इतने लगा तुम इतने अपने हाथ धो सकते हो। अगर आप जी को कोई इजाफी समान है तो इतने गठरी घर लाकर बनया हुआ उसे रख सकते हो, अगर साथ लैके जाना चाहो तो साथ भी लैके जा सकते हो। अगर आप जी को कोई लंगर या रसद है तो मेरे पीछे सामने लंगर काउंटर बनया हुआ है, तुम उत्थे लंगर रसद जमा करवा सकते हो। लंगर काउंटर की बिल्कुल लैफ्ट साइड के सामने एक बरामदा, उत्थे पहला साइन बोर्ड सरोवर साहब का, आप जी सरोवर साहब जा सकते हैं। गुरुद्वारा साहब की जी मेन बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर च है यानी कि बिल्कुल दरमियान च है, थोड़ा जहा अगे जाओगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन होंगे। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने खूह साहब ने, आप जी खूह साहब के दर्शन कर सकते हैं, उत्थे अमृत जल आप साथ लैके जा सकते हैं। अगर आप जी ने लंगर हाल जाना है तो जो गुरुद्वारा साहब को बाहर निकलोगे आपकी लेफ्ट साइड से सामने एक बिल्डिंग है, उत्ते लिखा होगा करतारपुर करता बस्से, उसकी बैक साइड से लंगर हाल आप जी लंगर हाल जा सकते हैं। लंगर हाल की बिल्कुल बैक साइड से मार्केट है, आप जी मार्केट भी जा सकते हैं। लंगर हाल के बाहर वाधू जोड़े पेद ने पा के मार्केट जा सकते हो। इतने वाशरूम दो जगह पर ने, एक मार्केट में वाशरूम ने, एक थोड़ा जहा अगे जाओगे एक वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आएगी, वो दोनों कॉर्नर साइड यानी कि दोनों कोनिया के वाशरूम ने। इतने जगह जगह साइन बोर्ड लगे ने, जिसमें एक साइन बोर्ड सामने दरवाजे के ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरह जगह जगह साइन बोर्ड लगे ने, आप जी उन्होंने हेल्प ले सकते हैं। सब तो अहम गल आप जी का स्टे का टाइम लास्ट टाइम 4 बजे तक है, अगर उस तो पहला भी जाना चाहो इसे जगह तो गड्डिया जाए जा सकते हो। साड़ी आस है कि आप जी का जिन्ना भी इतने टाइम गुजरे अच्छा तो यादगार गुजरे। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आमद से गुरुद्वारा साहब आमद से वेलकम खुश आमदी जी हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अंदर कारपेट लगे ने, आप सब लोगों ने कारपेट यूज़ करना।